सेव इंडिया फैमिली झारखंड की त्रैमासिक पत्रिका संकल्प के प्रथम अंक का विमोचन प्रेस क्लब रांची के सभागार में किया गया। उक्त पत्रिका में लिंगभेदी कानूनों जैसे धारा 498 ए घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि के दुरुपयोग को दर्शाया गया है। पत्रिका का विमोचन सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष महुआ मांझी ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो झारखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणधीर सिंह कुमार और झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप कुमार भी उपस्थित रहे। मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ, स्वाभाविक है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं महिला आयोग में नहीं हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ तो क्यों आई हूँ। तो पहला सवाल तो ये है, जब कोई बहू अपने पति पर, मतलब अपने उस घर के बेटे पर केस करती है, तो वो सिर्फ अपने पति पर नहीं बल्कि पति की माँ पर, पति की दादी पर, उसकी बहन पर, उसकी भाभी पर, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लपेटती हैं। और वो झारखंड के भी जेल में या पूरे देश के जेल में आप जाएंगे तो महिला सेल में अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसी बहुत बड़ी संख्या मिलेगी जिसमें कि निर्दोष लोग जेल में हैं। कई बार तो 70-80-90 साल की दादी, बूढ़ी दादी तक पर केस करके उनको जेल में डाला गया। तो ये कानून का मिसयूज़ है और इसके लिए फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। हालांकि अभी जो उसमें सुधार हुआ है कि तुरंत अरेस्ट नहीं करेंगे, पहले था कि तुरंत अरेस्ट करना होता था जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती थी, केस दर्ज होता था, तो अब उससे राहत मिली है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर निर्दोष लोग जेल में हैं। तो इस कानून से 398A वगैरह से सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि बहुत सारी निर्दोष महिलाएँ एक महिला की वजह से जेल में या बिना मतलब के परेशान होती रही हैं, पारिवारिक प्रतिष्ठा जाती रही है। और इस तरह के केसेस से जो कि फॉल्स होते हैं, जिसको कि मिल बैठ के भी जो थोड़ी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसको किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इससे जो बच्चे हैं वो मेल और फीमेल दोनों हैं, ऐसा नहीं कि खाली लड़के ही उससे प्रभावित होते हैं। तो इनका काम ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भी, जब परिवार टूटता है, जब एक लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है या जब औरत अपने घर से दूर कहीं रहती है, तो इससे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनका भविष्य नष्ट होता है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, उनको प्यार का वातावरण नहीं मिलता, पिता अलग परेशान रहते हैं। कई बार कई लोगों की नौकरी चली जाती है, जैसे केस दर्ज होता है तो फिर वो नौकरी चली जाती है, आर्थिक रूप से पूरा परिवार बिखर जाता है। तो इन तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं इनके साथ हूँ कि अगर कोई वास्तव में पीड़िता है तब तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ, लेकिन अगर उस कानून का मिसयूज़ हो रहा है तो मैं हमेशा उसका सामना की हूँ और उन्हीं लोगों का साथ दी हूँ जो सही है का मामला है। और जब कानून बनते हैं तो पूरे देश में एक साथ बनते हैं, तो हम लोग महिला आयोग के प्लेटफॉर्म से भी कई बार इस बात को उठाए हैं, तो इस पर सुधार तो हुआ है लेकिन और सुधार होने की ज़रूरत है। और आयोग बनना चाहिए ताकि बैलेंस रहे, मतलब कोई मिसयूज ना करे। पुरुष प्रताड़ित करती हैं महिलाओं को, महिलाएं सदियों से प्रताड़ित होती रही हैं, ये सही है, क्योंकि बीच में जो बाहरी आक्रमण हुए हमारे देश में या पर्दा प्रथा वगैरह आई, इसके कारण महिलाओं की स्थिति जो पहले थी, हमारे पौराणिक आप शास्त्रों में देखिए कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में आक्रमण वगैरह के कारण, कुछ भी कारण से महिलाएं पर्दे में चले गई, फिर शोषित होने लगी। और इधर हाल के दिनों में चूंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार घरेलू हिंसा के बढ़ गए थे और वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, तो टॉर्चर होते थे, उसमें अब काफ़ी हद तक सुधार हुआ है कानून की वजह से। लेकिन अब समय आ गया है बैलेंस करके चलने का। अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं, आजकल टीवी है, हर एक के पास इंटरनेट है, तो अब उस तरह से वो लोग पिछड़े भी नहीं हैं, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो अब मुझे लगता है इस पर विचार होना चाहिए कि कोई मिसयूज ना करे उस कानून का, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों के भी मैंने देखा है सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से, नौकरी तो चली ही जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। निर्दोष करने के लिए महिला संगठन हो या प्रशासनिक अधिकारी सपोर्टेड होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सपोर्टेड होते हैं मतलब, जैसे महिला किन्हीं को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उन्हीं का सपोर्ट में प्रशासन भी खड़ा होता है और महिला संगठन भी। मैं उनसे भी अपील करूंगी कि आप बायस्ड होकर काम ना करें, आप जो भी करें इसको समझ कर देखें कि दोनों पक्ष की बात को सुने और जांच करें, जांच करने के बाद जो सच्चाई है उस तरफ आप कार्रवाई करें। मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो मैं दोनों पक्ष का सुनती हूँ और समझती हूँ, और मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से भी कि बायस ना हो और वो उसके साथ खड़े रहें जो सच में है, क्योंकि महिला अगर केस करती है तो सिर्फ पुरुष पर ही नहीं करती है, पुरुष के साथ साथ उसके परिवार में अगर और महिलाएँ हैं, उसकी माँ है, दादी है, उसकी बहन है, भाभी है, सब पर केस होते हैं ना, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि महिलाएं भी निर्दोष होते हुए कानून की वजह से
पीड़ित ना हो, इसको देखना भी हमारा फर्ज है। 83 में बना था, 1983 में द प्रोटेक्शन टू वुमेन्स बना था, लेकिन उस समय बहुत हीनियस था और हीनियस रहने के कारण जैसे ही केस हुआ किसी फैमिली में तो वो बहुत मैंने पैनिक हो जाता था, घर छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कानून महिला का प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, महिला का टॉर्चर के लिए है। इसलिए है कि एक इन्फॉर्मेंट होते हैं या कंप्लेनेंट होते हैं। अपोजिट पार्टी में देखिए कम से कम 3-4 महिला उसमें टॉर्चर होते हैं। तो ये जो अभी मेरा फ्रेंड्स लोग बोले हैं कि ये टॉर्चर महिला के लिए है, नहीं ऐसा नहीं, महिला भी टॉर्चर हो रहे हैं इसी कानून के माध्यम से। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत में इतना हीनियस था, पैनिक था, उस प्रॉब्लम को रियलाइज किया, गवर्नमेंट भी रियलाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी रियलाइज किया, उसके चलते सोल्यूशन आस्ते आस्ते स्टार्ट हुआ है। और सोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसके चलते अभी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होते हैं, 41 डेवलप किया है, 41 ACRPC डेवलप किया, जिसके चलते थोड़ा प्रोटेक्शन एक्यूज लोगों को मिलता है। जब तक उसका प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक उसका अरेस्ट नहीं होता है। तो ये जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सॉल्यूशन नेचुरल एडजस्टमेंट में हो रहा है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। जो जो गिल्टी स्पाउस है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो गिल्टी स्पाउस नहीं है उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। सर ऐसा नहीं लगता।